ससुराल में सुसाइड करने वाले डॉक्टर के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस इस मामले में डॉक्टर के मोबाइल से कुछ खास रिकवर नहीं कर पाई है, पर शराब की आदत छुड़ाने वाले डॉक्टर का कहना है कि डॉक्टर शराब के आदी थे। उनका 3 माह तक धर्मपुरी इंदौर के अंकुर रिहैब सेंटर में इलाज चला था। यहां से जाने के बाद फिर से शराब पीने लगे। कुछ दिन पहले काउंसलर से हुई बात में उन्होंने फिर से रिहैब सेंटर आने की बात कही थी। डॉक्टर ने बताया कि 17 जनवरी 2022 को डॉक्टर अनिल को उपचार के लिए यहां लाया गया था। करीब 3 माह उपचार कराने के बाद 25 मार्च 2022 को उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। रिहैब सेंटर में 3 माह में 3 बार परिवार से उनकी मुलाकात हुई। उनके व्यवहार में कभी भी नहीं लगा कि वह शराब नहीं पीने को लेकर गुस्सा हो रहे थे। वह खुद जल्द शराब छोड़ने को लेकर डॉक्टरों से चर्चा करते रहते थे। MD BS परिहार की माने तो उनकी काउंसलिंग डॉक्टर सचिन शर्मा के साथ एक अन्य डॉक्टर कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि साल 2018 से उन्हें शराब की लत लगी थी। इसी बीच 2019 में उनकी शादी हो गई और 2021 में एक बेटी ने इनके घर जन्म लिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने शराब पीना कम नहीं किया। डॉक्टर अनिल को उनके परिवार के लोग जनवरी 2022 में अंकुर रिहैब सेंटर लेकर पहुंचे। यहां 3 माह तक उनका ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की गई। 3 माह बाद वे घर चले गए। यहाँ से जाने के बाद भी काउंसलर ऑनलाइन मीटिंग लेते थे। इसमें डॉक्टर अनिल भी नियमित रूप से शामिल होते थे, लेकिन यहां से जाने के बाद उन्होंने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया था। इसके चलते परिवार उन्हें फिर से ट्रीटमेंट कराना चाहता था। अंकुर रिहैब सेंटर के काउंसलर सचिन शर्मा से उनकी और परिवार की बात हुई थी, तब उन्होंने डॉक्टर अनिल को फिर से रिहैब सेंटर बुलाया था, लेकिन उनके रिहैब सेंटर आने से पहले ही उनके सुसाइड की खबर आ गई। रिहैब सेंटर के अफसर कर्मचारियों को जैसे ही यह जानकारी मिली वहां सभी स्तब्ध हैं। द्वारकापुरी TI सतीश द्विवेदी के मुताबिक डॉक्टर अनिल पुत्र स्वर्गीय बाबू सिंह चौहान निवासी बड़वानी ने फांसी लगाकर जान दी थी। पुलिस ने सोमवार को उनके मोबाइल का डाटा देखा, लेकिन उसमें आत्महत्या को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है।